यूपी पुलिस के रोपड़ पहुंचने से पहले ही मुख्तार अंसारी के गुर्गों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वो एम्बुलेंस को लवारिस छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की यूपी में वापसी होनी है। यूपी पुलिस आज सुबह 10 बजे रोपड़ के लिए निकली थी। टीम के रात करीब 10 बजे तक रोपड़ पहुंचने की संभावना है। जेल मैनुअल के हिसाब से शाम 6 बजे के बाद किसी भी कैदी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि यूपी पुलिस भले ही रोपड़ पहुंच जाए लेकिन उसे सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। एडीजीपी जेल प्रवीण सिन्हा ने बताया कि हमारे यहाँ 25,000 कैदी जेलों में हैं। यूपी की जेलों में करीब 1,30,000 कैदी हैं। ऐसे में वहाँ की पुलिस जेल मैनुअल बेहतर जानती है। वहाँ की पुलिस हम पर उसे रात को सौंपने का दबाव नहीं डालेगी, न ही रात को अंसारी को सौंपा जाएगा। लेकिन इसी बीच खबरें ये आ रही हैं कि मुख्तार अंसारी को जिस यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट लाया गया था वो निजी एम्बुलेंस निकली थी। अब यही एम्बुलेंस पंजाब के रोपड़ के पास एक ढाबे पर मिली है। यहाँ एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के मामले की जांच के लिए कल ही बाराबंकी पुलिस रोपड़ पहुंची थी, लेकिन यूपी पुलिस के आने से पहले ही अंसारी के गुर्गे उस एम्बुलेंस को खुर्द बुर्द करने में लग गए थे। हालांकि शायद पुलिस के आने की सूचना अपराधियों को मिल गई होगी, इसीलिए वो ढाबे पर ही एम्बुलेंस को लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए। ये एम्बुलेंस पंजाब की रोपड़ जेल से 15 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर खड़ी मिली थी। इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाने के लिए किया गया था। इस एम्बुलेंस को लेकर विवाद इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि ये सरकारी एम्बुलेंस नहीं थी बल्कि एक निजी एम्बुलेंस थी। सानू 9 बजे पता चलिया सीगा कि पिंड ख्वासपुरा दे नेड़े नानक ढाबा दे कोल एक एम्बुलेंस खड़ी है लवारिस हालत विच, जिस नू कोई खड़ी करके चला गया। असीं उत्थे गए ते ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 102 CRPC ਲਵਾਰਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ। हाँ, यूपी पुलिस भी जहाँ आई है लेकिन इसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा जे वो वाली गाड़ी है या नहीं है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी को स्पेशल एम्बुलेंस दी गई और उसके पीछे दलील दी गई कि स्वास्थ्य के चलते कैदी अपनी एम्बुलेंस इस्तेमाल करना चाहता है। इसकी जांच के लिए SIT भी गठित हो चुकी है। कल रात को ही बाराबंकी पुलिस की टीम एम्बुलेंस की जांच के लिए रोपड़ पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही इसे खत्म करने की तैयारी चल रही थी। एम्बुलेंस के आगे और पीछे की नंबर प्लेट को कीचड़ लगाकर छिपाने की कोशिश की गई। ऐसे में दो सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि जब पंजाब पुलिस को इस एम्बुलेंस के बारे में जानकारी थी और पुलिस की मौजूदगी में किसी एम्बुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी मोहाली की अदालत में पहुंचा था तो एकदम से ये एम्बुलेंस गायब कैसे हो गई? दूसरा सवाल ये कि पंजाब पुलिस को ये जानकारी थी कि इस एम्बुलेंस के बारे में फर्जी दस्तावेजों को लेकर बाराबंकी में FIR दर्ज हो चुकी है और यूपी पुलिस की कई टीमें तफ्तीश में लगी है, तो आखिर एम्बुलेंस को बाहर निकालने के पीछे किसकी साजिश थी? पुलिस ने एम्बुलेंस को कब्जे में क्यों नहीं लिया? ये दो बड़े सवाल पंजाब पुलिस को शक के घेरे में ले रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी पुलिस इस एम्बुलेंस को लेकर आगे क्या कार्रवाई करती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।